नमस्कार, मैं गीता साव और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। कल से एक प्रमुख विषय जो सभी मीडिया में और आम लोगों में राजनीतिक क्षेत्र में एक चर्चा का विषय रहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में, कांग्रेस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी मेरे ख्याल से, उसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने मोबाइल से एक कैंडी क्रश गेम को खेल रहे थे। सामान्यतः जब कोई जनप्रतिनिधि रहता है या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता है, यदि कोई गंभीर विषयों पर या गंभीर बैठकों के अंदर में यदि तारतम्य उस बैठक के साथ में नहीं रहता है, कहीं दूसरी दिशा में रहता है, तो एक टिप्पणी का विषय रहता है। मीडिया ने भी समय समय पर समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया के अंदर में इस तरह विषयों को उठाते हैं। जैसे कभी बैठकों के अंदर में होता है कि कोई नींद लेता रहता है तो फोटो आ जाती है, देखिए कितने गंभीर है माननीय जनप्रतिनिधि जी, ये इस तरह का विषय होता है। कभी कोई महत्वपूर्ण चर्चा होती है, कोई गेम खेल रहा है, कोई दूसरा अपने मोबाइल पर ध्यान दे रहा है, ये भी एक विषय आता है कि कितना गंभीर है व्यक्ति। इसलिए प्रथम दृष्टया इस चीज़ को तो नकारा ही नहीं जा सकता। जैसा कि कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा, क्या उनका निजी मामला नहीं है, ये नहीं है। मैं मानता हूँ निजी मामला घर में बैठकर खेलने कहीं आपत्ति नहीं है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यदि कोई महत्वपूर्ण बैठक है, शासकीय बैठक है, पार्टी की बैठक है, कहीं कोई बैठक है, ये मैं नहीं, ये मीडिया भी इस पर हमला करता है, मीडिया भी इस बातों को उठाता है, चित्र छापता है, शब्द नहीं चित्र, तमाम प्रकार के विषयों पर इस पर टिप्पणी होती रहती है। कल जिस तरीके से एक जो उनका मोबाइल पर एक कैंडी क्रश गेम खेलते हुए जो फोटो वायरल हुई, सबसे पहला सवाल कि कांग्रेस के अंदर में जो आंतरिक गुटबाजी है, पहला विषय कि कांग्रेस के अंदर में जो आंतरिक गुटबाजी है, जिस आंतरिक गुटबाजी के बारे में मैंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था कि सब कुछ अनुकूल होते हुए, 71 विधायक होते हुए हम बहुत अच्छी परिस्थिति पे है, भूपेश है तो भरोसा है, तमाम प्रकार के वादे नारों के बाद भी आज तक एक भी टिकट कांग्रेस डिक्लेयर नहीं कर पाई। जबकि मैं पिछले कॉन्फ्रेंस में 21 सीट पे था, अब मैं कह सकता हूं कि बीजेपी लगभग 85 सीटें हमने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन कांग्रेस एक भी सीट डिक्लेयर नहीं करी। यहां तक कि मैंने उस प्रेस में यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री की सीट तो डिक्लेयर कर दो क्योंकि हमने पाटन डिक्लेयर किया है। खैर, वो पुरानी बात हुई। आज का जो विषय है, सबसे पहले दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बातचीत करूंगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, किसका गया, भूपेश बघेल जी का, हाँ वो आपकी कट रही है। तो मेरा कहने का मतलब, पहला विषय जरा गंभीर विषय, उसको आप समझेंगे, उस पर यदि कोई सवाल होगा तो सवाल का जवाब भी मैं दूंगा। पिछले साढ़े चार सालों में मैंने और हमारी पार्टी ने हमेशा से यह आरोप लगाया है कि यह सरकार भ्रम के आधार पर छत्तीसगढ़ के लोगों को, जनता को भ्रमित करके अपना 4.5 साल निकाली है। उसके कई उदाहरण हम लोगों ने दिए हैं कि ये भ्रम फैलाती है और राजनीति करती है, या कहीं फेल होती है तो मोदी जी को पत्र लिखती है, वो भ्रम फैला कर कि देखो मोदी जी ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, इसलिए हम फेल हैं। ये कांग्रेस ने हमेशा से किया। एक शानदार उदाहरण है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर है कि हम बीजेपी के लोग जो 15 साल में नहीं किए, वैसे तो ये है कि हर एक छत्तीसगढ़वासी छत्तीसगढ़ी है और वो बरसों बरस नहीं हजारों वर्ष से छत्तीसगढ़ की परंपरा को करता है, लेकिन करोड़ों रुपए के विज्ञापन के माध्यम से भूपेश जी इस बात को सिद्ध करने में लगे रहे कि मैं ही छत्तीसगढ़ी हूँ और पिछले 4-5 वर्षों से ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति चल रही है, बाकी पहले यहाँ छत्तीसगढ़ का कोई नागरिक छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं जानता था, ना बीजेपी के लोग जानते हैं। बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता हैं, उसमें सामान्य कार्यकर्ता भी हैं जो गाँवों के अंदर में रहते हैं, जो गेड़ी खेलते हैं, जो बोरा खेलते हैं, जो बाटी खेलते हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। लेकिन यह प्रायोजित किया गया सरकारी पैसों के माध्यम से कि मैं ही हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कैसे दोहरा आचरण मुख्यमंत्री जी का सामने आया, और वो भी कांग्रेस के मित्रों के द्वारा बाहर किया गया कि ये डुप्लीकेट जो चीज़ें हैं वो बाहर आना चाहिए। वो इसलिए कि कांग्रेस कार्यालय में यदि बैठक होती है, वो फोटो वायरल होती है, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ नहीं था जिसने फोटो लिया, जो भी होगा कांग्रेस का कार्यकर्ता ही फोटो लिया होगा, वो फोटो बाहर आई, तब बीजेपी के संज्ञान में जब ये आया तब हमने ये सवाल खड़ा किया। मेरा पहला सवाल मुख्यमंत्री जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को, कि आप, अच्छी बात है गेड़ी करें, भौरा खेले, बाटी खेले, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आपके निर्देशों का पालन केवल छत्तीसगढ़ के लोग करेंगे? और आप यदि खेल रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पे स्वीडन का खेल खेल रहे हैं, अंग्रेजी खेल खेल रहे हैं, अंग्रेजियत की, इंग्लिशियत की आप पर आरोप तो है ही, लेकिन वास्तविकता भी ये दिख गई कि आप जो मोबाइल पर चीजें हैं कि वो लूडो खेल सकते थे,
वो कैरम खेल सकते थे, वो क्रिकेट खेल सकते थे, वो बैडमिंटन खेल सकते थे, तमाम भारतीय खेल इस सोशल प्लेटफॉर्म पर भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का चयन, और उन्होंने तो कह भी दिया मेरा शौक है ये, तो असलियत ये है कि वो कैंडी क्रश और अंग्रेजी खेल खेलते हैं, लेकिन भावनाओं से खेलना छत्तीसगढ़ की, वोट बटोरना है तो हम विज्ञापन के माध्यम से हम ये कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ी हैं, हमने छत्तीसगढ़ी की परंपरा को जीवित रखा है। ये प्रश्न का जवाब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूछती है, गंभीर जवाब आने की अपेक्षा हम रखते हैं, गंभीर जवाब आने की परीक्षा या कुछ विषय हम रखते हैं। दूसरा विषय कैंडी क्रश, किसी के हाथ में कैंडी और किसी को क्रश करने का काम, यही काम तो भूपेश बघेल की सरकार 5 साल में करी है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का युवा, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ की भावनाओं को जिस तरीके से क्रश किया है, और अपने नेताओं के माध्यम से अनेक घोटाले उदाहरण आप सबके सामने हैं, जिसके कुछ प्रमुख उदाहरण आप सबके सामने यहां पर दिख रहा है, जिसका उल्लेख मैं क्रम से करूंगा, उसके बाद यदि कोई विषय होगा तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। ये सरकार जो है, जो इस आधार पर सरकार में आई ये पार्टी कि हम पर उन्होंने हमला किया 36,000 करोड़, तमाम प्रकार के विषय, ये वो तमाम प्रकार के, और एक लुभावना जन घोषणा पत्र जो फर्जी साबित हुआ, जिसके जवाब आज तक यहां पर नहीं आ पाए हैं। पिछले 5 सालों में केवल भूपेश बघेल की चर्चा यदि होती रही सरकार की, तो कमीशन की रही है कि किस तरीके से, कोयले के विषय पे आऊंगा मैं, तो हमारा सीधा सा कहना है जो कमीशन 5 साल चला वो कमीशन कैंडी के रूप में यदि किसी ने खाया तो भूपेश बघेल और उनकी सरकार के नुमाइंदे लोगों ने खाया, कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन जनता के हितों को क्रश करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया, भूपेश बघेल जी ने किया। कोल घोटाला स्कैम जो कि सिद्ध हुआ, ईडी के माध्यम से भी सब चीजें सामने आ गई हैं, करोड़ों का जो कोल घोटाला किया, जिसकी आंच दुर्भाग्य के साथ मैं कहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता होने के नाते, यहां के निवासी होने के नाते, कि मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंची और जो मुख्यमंत्री का सबसे करीबी होता है उप सचिव, और 2 IAS आज जेल में हैं और जिनको कोर्ट से जमानत तक नहीं मिल रही है, अर्थात कोल का जो 25 रुपये कमीशन का जो विषय जो उजागर हुआ उसकी कैंडी यदि किसी ने खाई तो मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार ने खाया, लेकिन आम आदमी के हितों को जो पैसा आता, जो डेवलपमेंट में जाता, जो विकास में जाता, उसको क्रश करने का काम कोल के माध्यम से यदि किसी ने किया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने किया। मैं कुछ प्रमुख मुद्दे ही की बात कर रहा हूं, यहां पे है ना कोल वाले, है ना कोल वाले, ये भी नहीं बचता, बड़ी मुश्किल से बचा ये कोल। शराब घोटाला, जिसकी गूंज मेरे को लगता है कि हर एक व्यक्ति के कान तक पहुंची है, और ये वही शराब है जिस शराब पर इन्होंने वादा किया था अपने जन घोषणा पत्र में कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि ये बीजेपी का मुद्दा है, ये आम जनता का मुद्दा नहीं है। इससे बड़ी बेशर्मी किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि जो प्रमुख मुद्दा था वो किनारे गया, आधी आबादी जो महिलाओं की है वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है उस लुभावने वादे के बाद। और मेरा ये मानना है कि सरकार बनाने में, भूपेश बघेल की सरकार बनाने में जो योगदान था वो महिलाओं का भी था, शराबबंदी के नाम पर था। शराब घोटाला, अनवर ढेबर का जो करोड़ों रुपये की कैंडी, मालूम है नाम उनका है, कैंडी किसने खाई ये सबको मालूम है, और शराबबंदी का वादा पूरा नहीं करके माताओं और बहनों, उस शराब के नाम से कई मौतें हो गई, कई मर्डर हो गया, जो युवा थे उन्होंने नशे में कई प्रकार के काम कर दिए, उनके जीवन को क्रश करने का काम, अर्थात शराब के नाम पर कैंडी खाने का काम यदि किसी ने किया तो भूपेश बघेल सहित पूरा मंत्रिमंडल सहित कांग्रेसियों ने किया, आम कार्यकर्ता भी उसमें अनवर ढेबर से लेकर कई प्रकार के लोगों के नाम आए हैं, लेकिन माताओं और बहनों का जीवन कष्ट करने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया, तब भी चैन नहीं आया। शराब पीने के बाद कहा जाता है कि गलत काम करने का दिमाग चलता है, तो फिर महादेव सट्टा आया, ऐसी काली कमाई जिसका मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों को ही जो नाम प्रथम दृष्टि आ रहे हैं उसकी कैंडी यदि किसी ने खाई तो कांग्रेस ने की, और युवाओं की सट्टे की लत लगाकर युवाओं का भविष्य क्रश करने का काम यदि किसी ने किया तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया, दुर्भाग्य की बात है। अब हमारे TS बाबा कहाँ हैं, उप मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, TS सिंहदेव जी, इनको अभी कैंडी खिलाया गया छलावे की, इनमें तो और लोग इन्वॉल्व हैं, इनका केंद्रीय नेतृत्व इन्वॉल्व है कि 2.5 साल भैया, 2.5 साल, ये आधा और 2.5 साल इनका प्रमुख है, बिजली बिल आधा करेंगे, मुख्यमंत्री भी आधा करेंगे, न
जितना बिजली बिल आधा हुआ वैसे इनका भी आधा नहीं हुआ। तो टीएस सिंहदेव को भी छलावे की कैंडी खिलाकर तीन महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना निश्चित रूप से, मैं तो सरगुजा संभाग का प्रभारी हूँ, जब मैंने वहाँ पता लगाया 14 सीटें कैसी आई ग्रामीण क्षेत्रों से पूछा, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि उस समय लोगों का समर्थन, आम लोगों का, कि टीएस बाबा इस क्षेत्र के हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए हमने अपना वोट उनको दिया। मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनने का सपना जो टीएस बाबा का था और सरगुजा की जनता का था, उसको क्रश करने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। मोहन मरकाम जो आजकल 2 महीने से दिखाई नहीं दे रहे, पहले गमछा डालकर घूमते थे इधर से उधर, बाजू में बैठते थे, आजकल दिखाई नहीं दे रहे। तो मोहन मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्रश को उजागर किया और उन्हें भी मंत्री बनाकर कैंडी खिलाने का काम किया गया। उनको क्रश किया गया तो कैंडी मोहन मरकाम को मिल गई। ये खेल कांग्रेस में चलता रहता है। तो कैंडी मोहन मरकाम ने खा लिया मुख्यमंत्री बनकर, वो भी 3 महीने के लिए। प्रेम साय जो बहुत सीधे साधे मंत्री कहलाते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष बनाकर उनको भी कैंडी खिलाए। बीच में तो उनको जो मंत्री थे तो कैंडी खा ही रहे थे, लेकिन बीच में उनको लगा कि शायद टिकट भी कट जाएगी और उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उनको एक कैंडी दिखाई गई कि योजना आयोग का अध्यक्ष बनाकर उनको वहां पर बैठा दिया गया। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। पीएससी जो सबसे अहम मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं, पीएससी अहम मुद्दा है। गड़बड़ी करके अपने करीबी जितने नेता थे, जितने इनके अधिकारी थे, आश्चर्य होता आश्चर्य, मुझे लगता है दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा कि उस आयोग के अध्यक्ष और जो सचिव हैं उनके बच्चे सेलेक्ट हो रहा है, और एक नहीं, कितने हैं, 8, 8ों को कर दो। अच्छा हुआ 15-20 नहीं थे, नहीं तो 15-20-25 सेलेक्ट हो जाते, बोले एक ही बार में करो, अगली बार सरकार आएगी नहीं मालूम है, 15-25-30 जितने अंदर करो सबको। तो पीएससी में गड़कर करके अपने करीबियों को नौकरी देकर कैंडी खिलाने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया, और छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को क्रश करने का काम यदि किसी ने किया तो ये सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, पूरी टीम ने किया, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और एक जो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है हमेशा से रहा है कि प्रधानमंत्री आवास, मैं इसको फिर से वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि 58-60 वर्षों तक कांग्रेस ने कभी भी लोगों के आवास की चिंता नहीं करी। माननीय मोदी जी ने इस बात की चिंता की कि करोड़ों मकान बनाएंगे, सबको पक्का मकान देंगे, कुछ कि सबको पक्का मकान मिले, कम से कम रहने के लिए पक्का छत होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। 16 लाख गरीब परिवारों को वंचित करके उनके आवास प्राप्त होने की जो उम्मीद थी, जिसमें 4-5 करोड़ लोगों को, देश के लोगों को मिला भी है, लोगों को लगता है कि पड़ोसी को मिला तो मैंने क्या गुनाह किया है, मेरे को क्यों नहीं दिया गया, तो उसको भी क्रश करने का काम, उनके सपने के, उनके मकान बनने के सपने को क्रश करने का काम यदि किसी ने किया है तो ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन बाद में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास योजना जो एक फर्जी योजना के रूप में सामने मालूम है, जाना है, इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं है, जिसको करना था 5 साल पहले वादा किया उसको किए नहीं, उन्होंने किया। लेकिन उसमें भी ये है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए कैंडी देने का लालच भूपेश बघेल की सरकार कर रही है कि अपने ही लोगों को हम करेंगे, हर एक मामले में कांग्रेस को उपरित करने का काम, कैंडी खिलाने का काम किया है। तो वास्तविकता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही है कि कैंडी क्रश एक सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ के लोग नहीं लें, भ्रम फैलाकर कैंडी क्रश एक्चुअली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये है, कैंडी क्रश में उनको इंटरेस्ट है, बहुत जल्दी लेवल पार करते हैं, स्कोर पार करते हैं। तो कैंडी की परिभाषा मैंने रखी कि कैंडी किसको मिला मुख्यमंत्री जी के 5 साल में, और क्रश करने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसको किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का युवा, महिला, कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने आप को छला महसूस नहीं कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि दोहरा आचरण, दोहरी मानसिकता किसी मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को कहे कि गेड़ी चढ़िए, आप भौरा खेलिए, बाटी खेलिए घर में बैठकर, मैं तो राजीव भवन में बैठकर या मुख्यमंत्री आवास में बैठकर अंग्रेजी खेल जो सोनिया गांधी खेलती है, जो राहुल गांधी खेलता है, जो प्रियंका गांधी खेलती है, अंग्रेजी खेल कैंडी क्रश को खेलूंगा और उनका अनुसरण करूंगा, क्योंकि वहां मुझे आदेश मिला है ये कैंडी और क्रश का काम होते रहना चाहिए, क्योंकि इधर जब क्रश करेंगे तभी कैंडी प्राप्त होगी। इसके अनेक उदाहरण मैंने आपको दिए हैं।